हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं हरिहर राउत आपको हरिहर उड़ीसा चैनल में स्वागत। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किए थे कि जो वेजिटेबल ग्लिसरीन और केमिकल ग्लिसरीन का बीच में डिफरेंस क्या है और उसके बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, जो ग्लिसरीन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है वेजिटेबल ग्लिसरीन और दूसरा होता है सिंथेटिक ग्लिसरीन। हमने जिसे वेजिटेबल ग्लिसरीन बोलते हैं वो पाम ऑयल या कैस्टर ऑयल से बना हुआ होता है, और जिसे केमिकल ग्लिसरीन या सिंथेटिक ग्लिसरीन कहते हैं वो पेट्रोलियम से बना हुआ होता है। जिला तौर पर हम कॉस्मेटिक में या बॉडी केयर प्रोडक्ट में हम वेजिटेबल ग्लिसरीन को यूज करते हैं, और वेजिटेबल ग्लिसरीन जो होता है वो शरीर के लिए अच्छा भी होता है। हम जानते हैं कि ग्लिसरीन को ग्लिसरॉल के नाम से भी जानते हैं। तो जो ग्लिसरॉल होता है वो भी नाम का अलग होता है, मगर उसका जो यूज होता है वो सेम ही होता है और प्रोडक्ट भी सेम है। उसके बीच में ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल, उसके बीच में डिफरेंस कुछ नहीं है, उसके नाम का डिफरेंस है, मगर वो प्रोडक्ट सेम ही होता है। ग्लिसरीन को हम जो यूज करते हैं उसे डायरेक्ट तो हम यूज नहीं करते हैं शरीर पर। अगर हम ग्लिसरीन को डायरेक्ट शरीर पर यूज करते हैं तो वो शरीर के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि किसी भी चीज को ज्यादा इस्तेमाल करना शरीर के लिए हानिकारक होता है, चाहे वो कितनी अच्छी चीज हो ना। तो ग्लिसरीन को हम इस एक एंटी एजिंग के रूप पर यूज करते हैं। उसे सूखे हुए त्वचा का, सूखे हुए जो त्वचा हमारा होता है उसे ड्राई स्किन को वो ऑयल रखता है और स्मूथ भी रखता है। ग्लिसरीन त्वचा को नमी रखने के साथ साथ जो हमारा पिंकल्स जो आता है मुंह में वो उसे बचा के रखता है। तो इसीलिए हम उसे फेस वॉश हो या बॉडी वॉश हो हैंड वॉश होगा, हम ग्लिसरीन को हर जगह यूज करते हैं। हर प्रोडक्ट में आप देखे हुए होंगे कि ग्लिसरीन को यूज हर प्रोडक्ट में यूज करते हैं। ग्लिसरीन जले हुए त्वचा को भी ठीक कर लेता है, और सबसे खास बात यही है कि ग्लिसरीन का एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी उसमें होता है, तो आप उसे एंटी फंगल के लिए भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो था ग्लिसरीन का फायदा, और ग्लिसरीन को अगर हम यूज करते हैं तो सही तरीका से यूज ना करने पर उसे आंखों में इरिटेशन होता है, और कुछ लोगों का स्किन में ग्लिसरीन सूट भी नहीं करता, तो उनका उनके लिए वो नुकसानदायक भी होता है। अगर हम उसे सही तरीका से इस्तेमाल ना करें तो हमारा शरीर के लिए वो नुकसानदायक भी हो सकता है। तो ग्लिसरीन को यूज करते वक्त उसे थोड़ा सावधानी बरतें, कहाँ पर यूज करना है कहाँ पर नहीं वो आप डिसाइड करेंगे। कुछ लोगों को प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत आता है क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, और अगर रॉ मटेरियल आसपास में अवेलेबल होता है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं कराते। तो इसलिए अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए, आपके नजदीक नहीं मिल रहा है, तो आप कॉन्टैक्ट करके रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं, आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही से हमारा जो वीडियो था नेचुरल ग्लिसरीन और केमिकल बेस्ड ग्लिसरीन वो खत्म हो चुका है। तो यही से हमारा मुलाकात खत्म होता है। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो या दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक मैं लेता हूँ आपसे विदाई। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।